सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात पर चर्चा करेंगे। पिछली बार 11 अप्रैल को चर्चा के दौरान मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था। कोरोना और लॉकडाउन ने लोगों का नजरिया बदला है। मन की बात कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डॉक्टरों, सफाई कर्मियों और पुलिस व्यवस्था को लेकर आम आदमी की सोच में काफी बदलाव हुआ है। कोरोना के खिलाफ जंग पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ न कुछ सबक देती है, कुछ नई सीख देती है, और इस मुश्किल घड़ी में देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है उससे भारत में नए बदलाव की शुरुआत हुई है। मन की बात के 64वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। covidwarriors.gov.in प्लेटफॉर्म के जरिए सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवक, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन सहित करीब 25 करोड़ लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्धाओं ने संकट की इस घड़ी में चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आयुष मंत्रालय के कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से 2 गज दूरी का पालन करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार मुस्लिम समुदाय रमजान से में पहले से ज्यादा इबादत करे ताकि ईद आने के पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए। भारत में कोरोना संक्रमण के हालात में सुधार हो रहा है। हॉटस्पॉट इलाके लगातार गैर हॉटस्पॉट क्षेत्र में बदलते जा रहे हैं। रविवार को कैबिनेट सेक्रेटरी ने विभिन्न राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को लॉकडाउन उपायों और नियंत्रण रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। राज्यों को चिकित्सा के क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें आइसोलेशन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर आदि की उपलब्धता शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1975 नए मामले सामने आए हैं और 47 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 26,917 हो गई है, जिसमें 20,177 एक्टिव केस हैं। अब तक कुल 5,914 मरीज ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से देश में अब तक 826 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लाइफलाइन सेवा उड़ान के तहत देशभर में 684 टन से अधिक आवश्यक और चिकित्सा संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति की गई है। लाइफलाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायु सेना और निजी विमान सेवा कंपनियों ने 383 उड़ान संचालित की हैं। पवन हंस ने 1.99 टन माल पहुंचाया है। पवन हंस सहित हेलीकॉप्टर सेवा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, द्वीपीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर में संचालित की जा रही है। लॉकडाउन में रियायतों की घोषणा के बाद कुछ राज्यों ने देश के कई हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने यहां वापस बुलाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा में 82 बसों में श्रमिकों का पहला बैच राज्य पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रवासी श्रमिकों को बुलाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। गुजरात से 2400 मजदूर 98 बसों से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों से अपील की है कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं होता तब तक उन्हें धैर्य रखना होगा। भारत सरकार के काम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने तत्परता से इस संकट को भांपते हुए व्यवस्थाएं लागू की और लोगों ने इसका पालन किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बाजार खुलने पर लोगों को आपस में अंतर बनाए रखना सीखना होगा। आरएसएस ने 30 जून तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी में इस साल ट्यूशन फी नहीं बढ़ाई जाएगी। यह फैसला आईआईटी काउंसिल एंड फोरम की स्टैंडिंग कमेटी ने लिया है।
इस फैसले की जानकारी देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि संस्थानों के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों की ट्यूशन फी में इस बार 10% की बढ़त नहीं होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री IIT काउंसिल के चेयरमैन भी होते हैं। आयकर विभाग ने COVID-19 के आर्थिक प्रभावों को कम करने वाली भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों की कथित रिपोर्ट खारिज कर दी है। आयकर विभाग का कहना है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने IRS एसोसिएशन या उसके अधिकारियों को इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कभी कहा ही नहीं था। इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर कहा है कि ऐसा करना सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है और इस मामले में जरूरी जांच शुरू की जा रही है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।